पेरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, जो CHSL 2020 का एग्ज़ाम होना है, जो कि पोस्टपोन हो गया था, NR रीज़न वालों का एडमिट कार्ड SSC ने जारी कर दिया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा। सारी जानकारी आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइप करना है ssc.ssc.nr.nic.in। ठीक है, जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटस है दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूँ कि स्टेटस फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020, आप इसको क्लिक करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपसे वो एक्सेप्ट कराएगा, आप उसको एग्री कर लेना और सबमिट कर देना। उसके बाद दोस्तों, तीन तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू अपने डैडी के नाम और डेट ऑफ बर्थ। दूसरा दोस्तों, यदि आपको रोल नंबर पता है, अपने डैडी का नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट तरीका, जो कि आसान होता है, अपना नाम पूरा, अपने फादर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से दोस्तों, आप तीनों तरीके से अपने एडमिट कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि SSC कभी कभी ब्लॉक कर देती है। यदि आप मल्टीपल डाउनलोड करते हो, बार बार ट्राई करते हो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की, यदि आपने एक बार कर लिया है। और जानकारी दोस्तों कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ में। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।